hello everyone so we are solving previous year questions of the chapter principles of inheritance and variation and the topic inheritance of one gene in today's session we are going to solve a short answer type question of two marks which was asked in the cbsc board for an examination 2015. सो द क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एज प्रपोज बाय मेंडल इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें मेन्डल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बेसिस पे जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था उसे स्टेट करना है और एक्सप्लेन करना है सो लेट्स चेक द आंसर तो बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बेसिस पे मेंडल ने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि जो दोनों एलील्स होते हैं एक जीन के वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन और उनमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती ये जो लॉ था उन्होंने इस बेसिस पे दिया था कि जो एफ वन जनरेशन होती है एफ वन जनरेशन में तो एक कैरेक्टर अपेयर नहीं होता पर वो कैरेक्टर रीअपेयर हो जाता है एफ टू जनरेशन में जिससे उन्हें पता चला कि एक एलील दूसरे एलील पे डोमिनेंट प्रेजेंट है इसलिए एफ वन जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ पर उन दोनों एलिट्स में कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हुए इसीलिए वो एफ टू जनरेशन में रीअपियर हुआ क्लियर सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट द एलियस एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ ब्लेंडिंग दस वन गेमीट रिसीव ओनली वन काइंड ऑफ एलियस This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation though one of these is not seen at the F1 stage. Though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. A homozygous parent produces all gametes that are similar while a heterozygous one produces two kinds. शन अब इसी को हम क्रॉस की हेल्प से समझ लेते हैं यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया है हाइट कैरेक्टर का ऑफ अ पी प्लांट जिसमें पेरेंट्स है टॉल एंड डॉफ विथ कैपिटल टी कैपिटल टी एंड टॉल पेरेंट के जो गेमीट्स होंगे वो होंगे सारे कैपिटल टी और डॉफ पेरेंट के जो गेमिट्स होंगे स्मॉल टी जब ये दोनों फ्यूज करेंगे और एफ वन जनरेशन बनाएंगे तो इनका जो प्रोजेनि बनेगी वो बनेगी कैपिटल टी स्म टी विदिनो टाइप ऑफ टॉल तो एफ वन जनरेशन में हमारे पास सारे टॉल ऑफ स्प्रिंग आएंगे जब एफ वन जनरेशन की हम सेल्फिंग कराएंगे और एफ टू जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो गेमिट्स हो जाएंगे कैपिटल टी स्मोल टी एंड कैपिटल टी स्म टी जब कैपिटल टी कैपिटल टी फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी और ये फिनोटाइप देगा टॉल जब कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी फीनो टाइप देगा टॉल अगेन जब कैपिटल टी स्मॉल टी फ्यूज करेगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी विद फिनोटाइप टॉल और जब स्मॉल टी स्मॉल टी फ्यूज करेगा तो बनेगा स्मॉल टी स्मॉल टी विद फिनोटाइप डॉ तो अगर हम इसका फीनोटिक रेशियो देखें तो थ्री प्लांट्स हमारे पास टॉल आए हैं और वन प्लांट हमारे पास ड्वार्फ आया है तो इसका फिनोटिपिक रेशो हो जाएगा थ्री टू वन अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो हमारे पास तीन टाइप के जीनोटाइप आए हैं कैपिटल टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी वाले हमारे पास एक प्लांट है कैपिटल टी स्मॉल वाले टू प्लांट्स हैं और स्मॉल टी स्मॉल टी वाला भी वन प्लांट है तो जीनोटिक रेशियो जाएगा वन इज टू टू इज टू वन क्लियर अब अगर हम देखें तो एफ वन जनरेशन में जो ड्वार्फ यानी था वो रेसिस हुआ था पर एफ टू जनरेशन में वो रीअपेयर हो गया है इसका मतलब जो हैं उनमें ब्लेंडिंग नहीं होती और वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू थैंक यू